तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती से। हमारे पास जो है वो सुबह सुबह जो है वो काफ़ी बड़ी अपडेट जो है वो पहुंची हुई है और उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के R&P रूल्स को चेंज किया गया था, जिसमें कि रनिंग वगैरह हाइट वगैरह के मार्क्स जोड़े गए थे। फिर जो है वो 15 नंबर के जो डॉक्यूमेंट होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो R&P रूल्स में किए गए थे आपके HP पुलिस भर्ती में। बट अब जो है वो कुछ नए रूल्स और नए R&P रूल्स में संशोधन किया गया है। और क्या क्या संशोधन हुआ है उसमें और आपकी भर्ती जो है वो क्यों नहीं हो रही है, लोकसभा चुनावों के कारण लेट हो गई है, उन सभी पे कंप्लीट बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या जो है वो इस बार पुलिस भर्ती में नया होगा और क्या क्या संशोधन अभी पहले भी किए गए थे और नए जो है वो फिर से जो है वो किए जाएंगे। तो जो कोई भी HP पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहता है तो वो वीडियो को एंड तक देखेगा, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगी। और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो HP पुलिस की हमारे चैनल पर जो है वो तैयारी भी करते हैं, तो इनके लिए भी जो है वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर से देखना है। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो अपडेट को ओपन कर लिया हुआ है मैंने और पेपर कटिंग जो है वो ये आज की ही नोटिफिकेशन है, मतलब आज की ही पेपर कटिंग है और इसमें जो है वो अपडेट को हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे हेडलाइन आपकी लिखी गई है कि पुलिस भर्ती में देरी और फिर बदले रूल्स। दोस्तों यहाँ पर जो है वो पुलिस भर्ती में देरी होगी और रूल्स क्या क्या चेंज किए हैं मैं बता देता हूँ आपको। 1 जनवरी 2024 के आधार पर गिनी जाएगी आयु सीमा और फिज़िकल डोप टेस्ट और मेडिकल पुलिस ही करेगी। वो तो आपको पता है कि इस बार डोप टेस्ट को भी जोड़ा गया है। डोप टेस्ट मतलब कि पुलिस भर्ती में जो अभ्यर्थी जो है वो जाते हैं वो कहीं ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, उससे रिलेटेड है। और 1 जनवरी से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, वो भी आपको पता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अब जो है वो लोकसभा चुनाव के चलते देरी हो सकती है। आपको पता है लोकसभा चुनाव वो होंगे जिसके कारण जो है वो COD लग जाएगी थोड़े दिनों में, तो उस कारण जो है वो यहाँ पे आपकी भर्ती लेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भर्ती नियम में एक बार फिर संशोधन करने का फैसला होने के कारण इसमें देरी हो गई है और कैबिनेट की पिछली बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल्स रूल्स में संशोधन किया गया है। इससे पहले 29 जनवरी 2024 को एक संशोधन हुआ था, इन 1226 पदों में से 870 पद जो है वो पुरुष के होंगे और पुरुष कांस्टेबल के होंगे और 292 पद महिला कांस्टेबल के, जबकि 57 जो पोस्ट रहेंगी वो ड्राइवर की रहेंगी। पहली बार पुलिस भर्ती में डोप टेस्ट लिया जा रहा है, पहले इससे नहीं होता था, इस बार ही आपका लिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो है वो 30% आरक्षण भी इस बार भर्ती में दिया गया है। 30% पोस्टें जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए पुलिस कांस्टेबल की महिलाओं की होंगी। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लेकिन रूल्स में दूसरी बार बदलाव हो गया है और इस संशोधन पर प्रभावित, आपको पता है कि आपके पास 15 दिन थे जिसमें कि आप आपत्तियाँ दर्ज कर सकते थे, तो उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन जो थे आपके पास, 15 दिन के भीतर आपत्तियों की मांग की गई है और उसके बाद ही जो फाइनल प्रकाशित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि आचार संहिता से पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। संशोधन के अनुसार अब स्पोर्ट्स कोटा के लिए DGP खेल विभाग को नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहेंगे, तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है वो DGP जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए जो है वो नाम स्पॉन्सर करने के लिए कहेंगे। और संशोधन नियमों में डोप टेस्ट भी पुलिस को करना है, पुलिस भर्ती में पहली बार जो है वो शामिल किया जा रहा है ताकि ये पता चले कि भर्ती होने वाले युवा कहीं ड्रग्स के आदि तो नहीं है। फिजिकल टेस्ट पहले के अनुसार पुलिस विभाग ही करेगा, दस्तावेजों की छंटनी भी पुलिस विभाग ही करेगा, नए नियमों के अनुसार मेडिकल एग्जामिनेशन भी पुलिस विभाग करेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होती है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट को करनी है। हालांकि इसके कारण अपॉइंटमेंट जो है वो लेटर रुकेंगे नहीं, वो आपको मैं बता दूँ कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ही दी जाएगी यदि किसी अभ्यर्थी को किसी कोर्ट ने दोषी घोषित किया है, तो चाहे अपराध किसी नेचर का हो अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इस नियम के अनुसार ये तय किया गया है कि फिजिकल टेस्ट और डोप टेस्ट मेडिकल टेस्ट पुलिस विभाग ने ही करना है, जबकि लिखित परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग HPPSC लेगा। तो दोस्तों HPPSC एग्ज़ाम लेगा, बाकी जो प्रक्रिया होगी सारी की सारी वो आपकी HP पुलिस डिपार्टमेंट ही करेगा। और यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के लिए DGP जो हैं वो यहाँ पे स्पॉन्सर मांगेंगे नाम के। बाकी जो है डोप टेस्ट जो है वो होगा आपका इस बार, वो भी आपको पता है कि पुलिस विभाग ही लेगा। रनिंग वगैरह होगी पुलिस विभाग करेगा, करेक्टर की वेरिफिकेशन पुलिस विभाग करेगा, बाकी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस विभाग करेगा,
तो ये सारा जो है वो पुलिस विभाग करके जो है फिर आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जो है वो HPPSC लेगा। बाकी यहाँ पे संशोधन जो जो किए जाने हैं वो मैंने आपको बता दिए, बाकी अगर कोई नेक्स्ट अपडेट होगी तो वो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बाकी एज 1 जनवरी से कैलकुलेट होगी और आचार संहिता के कारण जो है वो दोस्तों आपकी भर्ती अब स्टार्ट नहीं हो पा रही है। आचार संहिता के मतलब कि अब इलेक्शंस के बाद ही आपकी भर्ती जो है वो स्टार्ट हो पाएगी। लोकसभा चुनावों के कारण जो है वो आपकी पुलिस भर्ती जो है वो थोड़ी लेट होगी। तो यही अपडेट थी और आई होप मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं अपडेट के बारे में। और काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो बनाइए, तो हमने आपके लिए जो है वो ये बना दी दोस्तों।